हरदा जिला न्यायालय हरदा के अधिवक्ता प्रकाश चंद्र टांक ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 दिसंबर 2020 को ठेकेदार अभिनेश यादव का पुत्र शाहिल को 12 लाख रुपए में लिए ठेके पर की गई कुएं की साफ सफाई व मरम्मत का बकाया 8.5 लाख रुपए का पेमेंट लेने नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र के कार्यालय गया। वहां पर नपा अध्यक्ष एवं अन्य उपस्थित व्यक्तियों ने शाहिल के साथ उसे बंधक बनाकर मारपीट की एवं थाना हरदा में शाहिल के खिलाफ ही झूठा मामला दर्ज करवा दिया। इस मामले में शाहिल यादव जेल चला गया। जेल से आने के बाद शाहिल एवं उसके पिता ने हरदा थाना पर लिखित रिपोर्ट की, परंतु कोई एफआईआर नहीं हुई। जिस पर एसपी को आवेदन दिया उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर शाहिल एवं उसके पिता अभिनेश ने अधिवक्ता प्रकाश टांग को नियुक्त किया एवं हरदा न्यायालय में आवेदन पत्र पेश किया, जिस पर से आज 15 दिसंबर को न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदा ने इस मामले में सिविल लाइन थाना हरदा को प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करने का आदेश दिया। छोड़ दो।